हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय न्यू। दोस्तों, मैं हूं आकाश मंडल, आप देख रहे हैं यूनिश प्ले मेकर सेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए है क्योंकि कई ऐसे बच्चे होंगे जो कि एक दूसरे डोमेन में चले गए होंगे, सिविल इंजीनियरिंग के, और उनको पसंद नहीं आ रहा होगा वहां पर वो जॉब करना। मतलब कई लोग साइड पर होंगे, अब उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ ऐसे होंगे फैमिली से रिलेटेड होंगे, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से वो चाहते होंगे काश मैं ऑफिस में शिफ्ट हो सकूं, ऑफिस की जॉब स्टार्ट कर सकूं। तो इस वीडियो में आपको इस चीज का समाधान मिल जाएगा कि ऑफिस में जॉब कैसे शुरू कर सकते हैं। आपको अच्छा लगेगा तो वो सही कर लीजिए, नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं, पर नॉलेज आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ट्राई किया होगा ऑफिस का जॉब, उसके लिए गए होंगे सिलेक्शन के लिए, बट सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। रीजन क्या है कि ऑफिस में हम हायर तो करेंगे किसी को, अगर मैं किसी को हायर कर रहा हूं तो मुझे कुछ उससे रिजल्ट चाहिए ना, मुझे कुछ उससे रिजल्ट चाहिए। तो जब मैं ऑफिस जॉब की बात करता हूं तो दोस्तों सबसे अच्छा एक प्रोफाइल आती है वो बी मॉड्यूलर की आती है। किसकी आती है? बी मॉड्यूलर की आती है। और एक 3D डिटेलर की आती है। किसकी? 3D डिटेलर की। ये दो प्रोफाइल जो है काफी हद तक साइट इंजीनियर के लिए बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव रहता है। क्यों? क्योंकि आपने जो साइट पर देखा है उसी चीज को यहाँ पर डिटेल करना है, तो वो डिटेलिंग्स कर सकते हो। कैसे करोगे बताता हूँ। उसके साथ ही साथ उन्होंने बहुत ढेर सारे एक्सटीरियर हाउसेस बनाए हुए, उनके डिजाइनिंग्स देखे हुए हैं, और उन्हीं डिजाइनिंग्स को अगर करना हो तो थोड़ा सा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से और अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों, आप सब में से कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने रैबिट सीखा होगा, ठीक है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ रैबिट को कैसे सीखा होगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लोगों को। क्या आपको पता है कि रेविट जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर के अंदर टेम्पलेट्स कैसे बनाते हैं? क्या आपको पता है कि इसमें हम लोग किस तरीके से अपने मटेरियल्स बनाते हैं, ठीक है? क्या आपको पता है किस तरीके से हम पर्ज कमांड, ये सब इंडस्ट्री में यूज होने वाली कमांड है, पर्ज कमांड यूज करते हैं, किस तरीके से पेनेट्रेट कमांड को यूज करते हैं, किस तरह से कलर फिल लेजेंड्स बनाते हैं, मतलब कलर मैपिंग प्लान बनाते हैं? क्या आपको पता है कि एरिया किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? क्या आपको पता है कि अब आप चेक कर लो आपको कितना रैबिट आता है, यहाँ पर चेक हो जाएगा पूरी तरीके से। आपको पता है कि किस तरीके से ब्रिक का शेड्यूलिंग करेंगे, ब्रिक के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सीमेंट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सैंड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पता है? अगर नहीं पता तो मैंने 4 वीडियो बनाए हुए हैं रैबिट एस्टिमेशन पे, एक बार जाके देख लेना। अब इसके साथ बात करता हूं कि अगर आपको पता है ये सब कुछ, क्या आपको मैशिंग एंड साइड का कॉन्सेप्ट पता है? क्या जो क्लोज बिल्डिंग आप देखते हो बड़े बड़े, ये कैसे मॉडल होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता है क्या? पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो कर लो। पेज का सेटअप किस तरीके से करते हैं, पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाते हैं? मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो कि इतना अच्छा पोर्टफोलियो बनाए हैं कि मतलब मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं उनको दूसरे बच्चों को दिखाता हूँ कि देखो इन्होंने इतने अच्छे अच्छे सैंपल्स बनाए हुए हैं और पोर्टफोलियो तैयार किया हुआ, पोर्टफोलियो से अब इनको जॉब इजीली लग गई है, ठीक है। मैं नाम लूंगा तो कम पड़ेगा नाम, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं। चलिए, तो अब बात करता हूं कि अगर ये आपने बनाया है तो मतलब आपको रैबिट आर्किटेक्चर का अच्छा नॉलेज है। अब चलिए थोड़ी बात कर लेता हूं रैबिट एस्टिमेशन की। रैबिट एस्टिमेशन में क्या आपको, सॉरी रैबिट स्ट्रक्चर पे, रैबिट स्ट्रक्चर जो है वो, उसमें आपको क्या आपको पता है कि किस तरीके से फैब्रिक यूज करेंगे, किस तरीके से ब्रेसिंग्स यूज करेंगे, किस तरीके से बीम सिस्टम यूज करेंगे, किस तरीके से स्टील के कनेक्शंस, अलग अलग जो कनेक्शंस है उसमें, वो सारे कनेक्शन, कोपिंग है, कोपिंग किस तरीके से यूज करोगे, कहां यूज करोगे, कहां पर हम लोग क्लिक एंगल लगाएंगे, कहां पर हम लोग क्या बोलते हैं बेस जॉइंट लगाएंगे, बेस पर हम लोग को कौन सा सपोर्ट चाहिए, क्या इसके बारे में आइडिया है क्या? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आपने रैबिट स्ट्रक्चर में थोड़ी कमी की है। इसके साथ क्या आपको BBS निकालना आता है क्या रैबिट स्ट्रक्चर के अंदर? स्टील के कनेक्शंस की डिटेलिंग करना आता है क्या? अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप यहां पर थोड़ा सा कम सीखे हो। चलिए, ये तो रहा आपका रैबिट आर्किटेक्चर, रैबिट स्ट्रक्चर का टेस्ट। लेकिन उन बच्चों को जो साइट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब मैं उनको बताता हूं कि वो कैसे कर सकते हैं साइट के लिए इजली जॉब, साइट से अपने ऑफिस में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करना चाहूंगा मैं, अगर आपने कभी भी सॉफ्टवेयर नहीं सीखा है, थोड़ा बहुत भी अगर ऑटोकैड का नॉलेज है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से रैबिट आर्किटेक्चर, रैबिट स्ट्रक्चर, बहुत अच्छे मतलब एकदम ऑफिशियल जो प्रोफेशनल लेवल होता है वहां तक अगर सीख ले, और इसके साथ बीम के कुछ कॉन्सेप्ट। आप लोग अक्सर बीम के कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, बीम का कॉन्सेप्ट मतलब जैसे कि अगर आपको पता है LOD लेवल ऑफ डेवलपमेंट, अच्छी तरीके से पता हो लेवल ऑफ डेवलपमेंट, मतलब डीप में लेवल ऑफ डेवलपमेंट पता है आपको, बहुत अच्छी बात है। आपको वास्तु के रूल्स पता है क्या,
ठीक है, जो पंच महाभूता होते हैं, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, ये आपको जॉब में हेल्प करेंगे। कौन? एलओडी हेल्प करेगा और आपको वास्तु का रूल करेगा, महारेरा के रूल्स आपको बहुत ही हेल्प करेंगे, वास्तु साइंस के साथ साथ आपको बिल्डिंग में लॉ का रूल बहुत फायदा करेगा, मीन्स अगर बिल्डिंग में लॉ आप जानते हो तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। टाउन प्लानिंग में क्या क्या पर्सपेक्टिव, क्या क्या मोटो होता है, एनए क्या होता है, एनएटीपी क्या होता है, मतलब नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट को कैसे हम लोग उस पर कंस्ट्रक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं, टीपी क्या होता है, टाउन प्लानिंग होता है, किस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट होता है, क्या आपको आइडिया है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अगर आपने ये चीजें सीख ली, इसके साथ थोड़ी सी और डीप लेवल में अगर जाओ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI जिसको बोलते हैं, हमने हमारे बिल्डिंग में AI किस तरीके से काम करता है, आप जाते हो गेट पर खड़े हो तो गेट खुल जाता है, क्या है ये? AI तो है, ठीक है, आप जाते हो पंचिंग मशीन के सामने ऑफिस में खड़े होते हो पंच आपका हो जाता है, क्या है ये? ये AI ही तो है, क्या इस तरीके ये किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में अगर हमको नॉलेज है तो क्या हो रहा है, हमारे पास बीम का कॉन्सेप्ट का पूरा नॉलेज हो गया, उसके साथ ही साथ हमारे पास रैपिड आर्किटेक्चर रैपिड स्ट्रक्चर का हो गया, अब मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि आपकी ऑफिस में जॉब लग सकती है, ठीक है, आपको ऑफिस में जॉब लग सकती है। तो ये मैंने कोर्स डिजाइन किया है, आप लोगों ने ही बोला था कि सर ऐसा कोर्स डिजाइन कर दो क्योंकि हमें डेली समय नहीं मिल पाता है, तो हमने वीकेंड बैच लाया है, सैटरडे और संडे, कब? सैटरडे और संडे, इसी अपकमिंग सैटरडे से, मतलब आई थिंक 6 मार्च से स्टार्ट है, सैटरडे संडे क्लासेस चलेंगे, मुश्किल से क्योंकि ये क्लासेस 4-4 घंटे होंगे, कितने घंटे होंगे? 4 घंटे संडे, 4 घंटे सैटरडे, मतलब 8 घंटे वीकली क्लास हो जाएगा। तो ये जो क्लास है आपका, इसका टेंशन मत लेना कि 4 घंटे मतलब भूल जाऊं तो क्या, नहीं, इसका मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा, तो रिकॉर्डिंग से क्या होगा, आप रिपीट कर सकते हो उस लेक्चर को अगेन अगेन, 2 साल तक के लिए रिकॉर्डिंग चाहे जितने बार एक्सेस करो। तो मैंने एक कोर्स बनाया है जिसका डिस्क्रिप्शन लिमिट यहाँ पर डाल दिया है मैंने, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप देख लो एक बार इस लिंक को, आपको लिंक से जो जो उसमें डाटा लिखा हो अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो सीख लो, और अगर आपको मेरे से सीखना है तो मुझे व्हाट्सएप कर लेना 9792621121 पे। सैटरडे से बैच स्टार्ट है, रैपिड आर्किटेक्चर रैपिड स्ट्रक्चर प्लस बीम कॉन्सेप्ट, जितना मैंने बताया इससे भी ज्यादा मैं बताऊंगा, इसमें मैं बताऊंगा पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, कवर लेटर किस तरीके से लगाते हैं, रिज्यूम किस तरीके से लिखते हैं, अप्लाई किस तरीके से करेंगे, कहां से हम लोग लीड ले सकते हैं, लिंक्डइन पे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, ये सारा मेथड मैं इस पूरे कोर्स के अंदर सिखाऊंगा आपको। अप्रोक्स 5-6 सैटरडे संडे लगाने हैं, कितने? 5-6 सैटरडे संडे लगाने हैं, आप परफेक्ट हो जाओगे रैपिड आर्किटेक्चर रैपिड स्ट्रक्चर में। इसके साथ मैं रैपिड स्ट्रक्चर में एक और अच्छी चीज सिखाऊंगा, बताना भूल गया आपको, वो सिखाऊंगा ऑटोमेटिक रेनफोर्समेंट। मैंने एक वीडियो में बताया भी है किस तरीके से लगाते हैं ऑटोमेटिक रेनफोर्समेंट, किस तरीके से लगा सकते हैं, एक तो होता है कि आप ड्रॉ करते हो, एक होता है ऑटोमेटिक रेनफोर्समेंट किस तरीके से लगा सकते हो, वो भी है, और भी बहुत सी चीजें हैं जितना मुझे याद है मैंने आपको बता दिया, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो कंप्लीट सिलेबस। अगर आपको ज्वाइन करना है इसी सैटरडे से है, मुझे व्हाट्सएप कर लो, फी भी ज्यादा नहीं रखा, ओनली 5000 फी रखा है, बट अगर आपने जो 6 सैटरडे संडे मैंने दिए अगर इतने आपने कर लिए, पक्का बता रहा हूं आपकी जॉब लग जाएगी। कैसे? इंटरव्यू में उसके बाहर से कुछ नहीं पूछेंगे क्योंकि मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन उसमें करा दूंगा, उसमें क्या क्या इंटरव्यू पूछेंगे, तो एक चांस है, देख लो, अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आ जाओ, मिलते हैं, और आपका जो भी सोल्यूशन हो सकता है मेरी तरफ से मैं कर देता हूं। ये जरूर बता सकता हूं कि अब तक भी मेरी जितनी भी बीम की बैचेस हुई हैं उसे मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए हैं बैच कंप्लीट होते होते, सो एक कॉन्फिडेंस भी हो चुका है कि नहीं मैं कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इंडस्ट्री में क्या डिमांड है, वही तो पढ़ाना है, वही पढ़ा दूंगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ चलिए, एक और चीज बताना बोल गया, मैं एक मेरा स्टूडेंट था बहुत अच्छा है परमार, उसने मुझे कमेंट किया था कि सर सैलरी ग्रोथ के बारे में बता दीजिए। तो सैलरी ग्रोथ जो बीम के अंदर है, बीम के अंदर आपको बता दूं कि 60-70 कोई बहुत बड़ा पैकेज नहीं है, ठीक है, आप बोलोगे सर क्यों? देखो बिगनिंग्स होती है, अगर आप छोटी कंपनी से कर रहे हो आप रिसर्च उठा के देख लेना, ठीक है, इसका जो एवरेज पैकेज होता है वो 2.6-2.8 होता है। कितना होता है? 2.6-2.8 एवरेज पैकेज है मिनिमम वालों के लिए, ठीक है, वैसे तो जनरली आप 3.2-3.6 पा जाते हो आराम से। तो इसको अगर मैं बताऊं एक ग्राफ में अगर तैयार करके बोलूं तो ग्राफ 15,000 से स्टार्ट होगा, कितनी भी छोटी कंपनी होगी 15,000 का काम दे देगी, 15,000 से लेके आप 5 साल के अंदर 70,000-80,000 की सैलरी आराम से ले सकते हो। मेरे सामने लोग ले रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि मुझे इससे भी ज्यादा ऑफर हुआ है, ठीक है, मतलब 8+ उसके ऊपर भी ऑफर हुए हैं, तो इसलिए बता रहा हूं कि आप यहां तक जा सकते हो, ये आपका करियर का ग्राफ हो सकता है, तो एक बार सोच लेना, इसमें पैसे की कोई कमी नहीं है। इसमें 2 प्रोफाइल पर आप बहुत अच्छा कर सकते हो, एक होता है बीम, क्या बोलते हैं, बीम मैनेजर,
वो थोड़ा एक्सपीरियंस आने के बाद होगा। एक होता है बीम मॉड्यूलर, जो आप रेविट आर्किटेक्चर सीखने के बाद परफेक्ट हो जाओगे बीम के कॉन्सेप्ट्स के साथ। एक होता है 3D डिटेलर, जो कि रेविट स्ट्रक्चर के अंदर आप डिटेल हो जाओगे। दो में से किसी भी प्रोफाइल में आपका जॉब लग गया, समझो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच चुकी है और आप जो साइट का जो झंझट था उससे बाहर आ गए यहाँ पर। आप बोलोगे सर कि साइट की आप इतनी बुराई क्यों कर रहे हैं? मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ यार किसी चीज की, मैं बस ये बता रहा हूँ कि वहां पर जो स्ट्रगल है, सारे साइट इंजीनियर को पता है कि वहां की जो स्ट्रगल है वो क्या है। उसके बाद वहां पर जो ग्रोथ का लेवल है वो फिक्स हो जाता है, वो जो ग्रोथ का लेवल फिक्स हो जाता है ना, प्रॉब्लम वहां पर होती है। ठीक है, ऐसे में कई ढेर सारे लोगों को जानता हूं जो 30-35 पर जा चुके हैं, वहां पर उनका कॉन्स्टेंट हो गया सैलरी। अब क्या करें, अब उनके पास ऑप्शन नहीं है। अब वो अगर प्रोफाइल से स्विच करेंगे तो कम पैसे में स्विच होगा तो टेंशन हो जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको आगे 5 साल बाद ना आए, इसलिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से अवेयर कर दिया आपको कि इस चीज को सीखने से आपका काफी बेनिफिट हो सकता है। और दूसरी चीज, स्मार्ट वर्क करो भाई। देखो हार्ड वर्क तो बहुत लोग करते हैं, एग्जाम्पल नहीं दूंगा, बट हार्ड वर्क बहुत लोग कर रहे हैं। स्मार्ट वर्क करो, जिस चीज का डिमांड वर्ल्ड वाइड है उसको करो। क्यों? क्योंकि अभी जो सिनेरियो है, सिनेरियो देखो आप क्या है, पूरा का पूरा ऑनलाइन वर्क है। ऑनलाइन आप केवल केवल डिजाइन कवर कर सकते हो, पार्ट टाइम कर सकते हो, किसी भी आर्किटेक्ट से मिलके उसे बोल सकते हो कि सर मैं आपका मॉडल बना के दूंगा, क्या प्रॉब्लम है यार, उसका काम आप करके दे रहे हो, अगला 6,000 में कर रहा है, 5,000 में करके दे दो। लेकिन डेफिनेटली अगर आप अच्छा करके दे रहे हो तो आपका डिमांड है। बहुत ढेर सारे ऐसे साइट्स है, अर्बन प्रो है और क्या बोलते हैं, ऐसे ढेर सारे साइट्स है, freelancing.com है। ठीक है, ऐसे जगहों पे आप अपना अकाउंट बना के ऑनलाइन काम ले सकते हो, बट वो थोड़ा टफ होता है। तो ऐसे बोल दूं कि तुरंत ही मिल जाएगा तो गलत होगा, तो उसके लिए मैं कभी एक दिन सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बट मैं आपसे बोलूंगा कि रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, बीम कॉन्सेप्ट जरूर सीख लीजिए। सैटरडे संडे का बैच है, मेरे से नहीं सीखना, कहीं से भी सीख लीजिए, यूट्यूब से सीख लीजिए, सिलेबस मेरा डाउनलोड करके देख लीजिए कि क्या क्या हमें आना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।